निहंग सिंघां अते पुलिस विचाले टकराव होया सी अते हुण इस मामले दे विच पंज निहंग सिंघां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है, जदके 35 तों 40 निहंग सिंघां दे खिलाफ अणपछात्यां खिलाफ भी परचा दर्ज किया गया है। दस दिए कि जसपाल सिंह जो होमगार्ड का जवान है उसकी मौत हो गई सी, पंजाब पुलिस अते निहंग सिंघां विचाले टकराव होया सी। ते हुण इस मामले दे विच जिहड़ी FIR की कॉपी सामने आई है उस दे विच साफ तौर ते लिखा गया है कि निहंग सिंघां दे कोले मारू हथियार सी, नजायज़ असला सी, ते उन्होंने पुलिस को मार देने की नीयत नाल अन्नेवा गोलियां चला दित्तियां, जिस दे विच एक होमगार्ड जवान के सिर दे विच गोली लगी जिसनों हॉस्पिटल ले जाया गया जिथे उसकी मौत हो गई। इस तो बिना कई होर पुलिस मुलाजम भी निहंग सिंघां वालों चलाईयां गोलियां के कारण जख्मी होए ने। दस दिए कि निहंग सिंघां ते पुलिस विचाले टकराव होया सी, ते निहंग सिंघां ते हुण कतल का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक निहंग सिंघां ने अन्नेवा गोलियां चलाईयां, निहंग सिंघां दे कोले दातर किरपाना बरछे भाले अते होर मारू हथियार सन, ते उन्हां कोले नजायज़ असला भी सी जिस दे नाल उन्होंने पुलिस ते अन्नेवा फायरिंग कर दिती जिस दे विच होमगार्ड जवान जसपाल सिंह दी मौत हो गई। तां हुण इस मामले दे विच पुलिस ने 6 निहंग सिंघां ते बाय नेम परचा दर्ज किया है, ते 35 तों 40 अणपछाते निहंग सिंघां ते भी परचा दर्ज किया गया है, जिन्हां दे विचों 5 नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दस दिए कि FIR दे विच जो सामने आया उस दे विच लिखा गया है कि 35 तों 40 अणपछाते निहंग सिंह जिन्हां कोले दातर सी, किरपाना सी, बरछे सी, भाले सी, मारू हथियार सी, नजायज़ असला सी, हत्थां विच फड़िया होया सी, उन्होंने पुलिस पार्टी नूं देखते ही बोले सो निहाल दे जयकारे ला दिते अते पुलिस पार्टी वल वधे, जिन्हां ने पुलिस पार्टी नूं मार देण दी नीयत नाल अन्नेवा गोलियां चला दित्तियां, दातर किरपाना अते अपने दस्ती होर हथियारां दे नाल हमला कर दिता। इस दौरान जसपाल सिंह दे सिर दे विच गोली लगी, उह गंभीर जख्मी हो गया जिसनों तुरंत इलाज लई सरकारी हस्पताल सुल्तानपुर लोधी भेजा गया। इस दौरान ड्यूटी ते तैनात होर पुलिस कर्मचारियों दे भी गोलियां लगियां, तेजधार हथियार नाल गंभीर सट्टां लगियां जो सिविल हस्पताल दे विच भेजे गए सन, ते जसपाल सिंह दी इस दौरान मौत हो गई। तो हुण पुलिस ने निहंग सिंघां अते उन्हां दे साथी अणपछाते निहंग सिंघां ते परचा दर्ज किया है। यह भी कहा गया कि उन्होंने अपने दल के मुखी निहंग सिंह की शह से पुलिस पार्टी से मारू हथियारों नाल हमला किया, फायरिंग की है, तो इस मामले के धारा 302 कतल का मामला, इरादा है कतल, 307, 332, 333, 353, 186, 148, 149, 120 तहत मामला दर्ज किया गया है। इस तो बिना आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54, 58 तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तो दस दिए कि पुलिस दे वल्लों ये मामला दर्ज किया गया, 5 निहंग सिंघां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 5 निहंग सिंह गिरफ्तार हो चुके ने, पुलिस अते निहंग सिंघां विचाले टकराव होया सी सुल्तानपुर लोधी दे विच गुरद्वारा अकाल बोंगा साहिब दे विच। दस दिए कि 2 धिरां जिहड़ियां निहंग सिंघां दीआं सी उह कब्जे की लड़ाई सी, जिस तों बाद पुलिस दे वल्लों इंटरवीन किया गया। तो पुलिस के मुताबिक निहंग सिंघां ने पुलिस ते गोलियां चला दित्तियां, मारू हथियार सी उन्हां कोले, जिस दे विच एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई, तो हुण 5 निहंग सिंघां नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हां दे विच 6 निहंग सिंघां ते बाय नेम परचा दर्ज किया गया है, तो 35 तों 40 अणपछाते निहंग सिंघां ते परचा दर्ज किया गया। इस मामले दे विच 5 निहंग सिंघ गिरफ्तार कर लए गए ने, बाकियां दी भाल जारी है। एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई सी, कई पुलिस मुलाजम जख्मी हो गए सन, तो टकराव होया सी गुरद्वारा अकाल बोंगा साहिब ते, जिथे 2 धिरां बाबा मान सिंह अते निहंग जिहड़े बाबा बलबीर सिंह ने 96 करोड़ी निहंग सिंह जथेबंदी दे मुखी ने, उन्हां दोहां दलां दे विचकार टकराव सी गुरद्वारा साहिब ते कब्जे नूं लैके टकराव सी, जिस तों बाद पुलिस इंटरवीन करदी आ, पुलिस ते भी निहंग सिंह गोलियां चला दिंदे ने, ते इस मामले दे विच 5 निहंग सिंघां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है, कतल दा मामला दर्ज किया गया है, होर भी वख-वख धाराएं तहत मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान निहंग सिंघां ते पुलिस दरमियान जिहड़ा टकराव होया सी उस दे विच FIR दी कॉपी सामने आ गई है, जिस दे विच 5 निहंग सिंघां नूं गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस दे वल्लों, 6 ते बाय नेम परचा दर्ज सी, ते बाकी अणपछाते ने जिन्हां दी भाल जारी है। यह भी दस दिए कि पुलिस के मुताबिक निहंग सिंघां ने अन्नेवा गोलियां चलाईयां पुलिस ते, जिस दे विच एक होमगार्ड जवान की मौत हुई, तो उन्हां कोले होर भी मारू हथियार सन, पुलिस के मुताबिक उन्हां कोले नजायज़ असला भी सी। इस मामले दे विच पुलिस दे उच्च अधिकारियों का की कहना तुहानूं सुणाउंदे आ। और 5 आरोपी असी हुण तक गिरफ्तार किए, 3 वेपन रिकवर किए जा चुके,
और बाकी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी जिस तरह हुए कि उन्हें जो कोई पहचान या अरेस्ट एफआईआर हैज बीन लॉज्ड और पांच आरोपी असी हम तक गिरफ्तार किए हैं, तीन वेपन रिकवर किए जा चुके हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी जिस तरह हुए कि उन्हें जो कोई पहचान या अरेस्ट एफआईआर हैज बीन लॉज्ड और पांच आरोपी असी हम तक गिरफ्तार किए हैं, तीन वेपन रिकवर किए जा चुके हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी जिस तरह हुए कि उन्हें जो